दादाबाड़ी स्थित दानबाड़ी में श्री जैन श्वेतांबर तेरापंथी सभा द्वारा शुक्रवार को स्कूल व कोचिंग बच्चों के लिए विशेष शिविर का आयोजन किया गया, जिसके अंदर आचार्य श्री महाश्रमण सहित अन्य आचार्यों ने बच्चों को एकाग्रचित होकर के पढ़ाई करने के टिप्स दिए। इसी के साथ आचार्य ने कोचिंग व स्कूली बच्चों को योग व प्राणायाम भी सिखाया। आचार्य ने बच्चों को कहा कि पढ़ाई के साथ साथ अपने शरीर और सेहत का ध्यान रखना भी बहुत ही ज्यादा आवश्यक है, इसलिए सभी बच्चों को पढ़ाई के साथ में योग का भी अति आवश्यक ध्यान रखना चाहिए। आचार्य ने कोचिंग बच्चों को डिप्रेशन से दूर रहने के बारे में डिप्रेशन से बचने के भी टिप्स सिखाए। अभी हम कुछ प्रयोग छोटे छोटे मेथड्स बताएंगे जो आपके ओवरऑल पर्सनैलिटी को डेवलप करने वाले होंगे। मुझे कुछ बच्चे यहाँ किशोर मंडल के है ना, अभी हम संकर शक्ति का प्रयोग करेंगे। तुम भी खड़े हो। संकर शक्ति आप लोगों के सामने आगे बढ़ना है, आप लोगों को इम्प्रूवमेंट करना है। बहाने हो जाते हैं, क्या करूं, मेरा मूड ठीक नहीं है, मन खुश नहीं है, या मेरा शरीर स्वास्थ्य आज ठीक नहीं है, आई एम नॉट फीलिंग वेल टुडे। आपके सामने अनेक बहाने हो जाते हैं, आपके मन में कोई ना कोई मेंटली इम्बैलेंस हो जाता है, इमोशनल इम्बैलेंस हो जाता है कि कहीं ना कहीं आप वो काम कर नहीं पाते। अपने भीतर वो जोश और उत्साह को भरना है और हम ये देखते जाएंगे। आप उच्चारण करेंगे, मैं शक्तिशाली हूँ, शरीर के कण कण में शक्ति का संचार हो, शक्तिशाली हूँ,